Hello everyone, welcome to PharmaRox The Way of Success. In today's video lecture, we will study about the pharmaceutical aerosol. And this is our part 3 of this aerosol chapter. And today we study about the actuators, propellants, and a types of a meter dose inhalers. Okay, so you can also download our mobile application from the Google Play Store. We have launched our mobile application PharmaRox. So you can download the app, and you can also start your test series on our mobile application. So test series for gpat pharmacist, and DI exam is available. So download the app Pharmarox Android app on Google Play. For more details on test series, you can contact on nine zero one six three one two zero two zero. You can also get the study materials from our mobile application. So download their app Pharmarox from Google Play.

एडवांटेज डिसएडवांटेज उसका कंपोजिशन क्या होता है एरोजोल का ओके okay? सो so उसके कंपोजिशन का ही एक पार्ट है और वो है एक्चुएटर्स एक्चुएटर्स so क्या है तो दीज आर द स्पेशली डिजाइन बटन विच हेल्प इन डिलीवरिंग द ड्रग इन डिजायर फॉर्म इन एग्जाम्पल स्प्रे वेट स्ट्रीम फॉर्म और सॉलिड स्ट्रीम सो टाइप ऑफ एक्चुएटर्स दे आर स्प्रे एक्चुएटर सॉलिड स्ट्रीम एक्चुएटर्स फॉर स्पेशल एक्चुएटर्स मैं आपको आप दिखाता हूँ इनके डायग्राम्स कि ये जो बटन्स होते हैं कि है डिजाइन बटन कोई भी एरोजोल कंटेनर्स होता है उसके ऊपर की ओर हम ये बटन्स देखते हैं कि जिनको कहा जाता है एक्चुएटर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एरोजोल कंटेनर है ओके okay? इसके अंदर ये है डीप ट्यूब उसमें से ये जो लिक्विड और एंड गैस सोल्यूशन और यहाँ पे गैस अंडर द की जिसको कहते हैं और ये अच्छे से प्रेशर से यहां से हम देख सकते हैं कि एरोजोल स्प्रे हो रहा है सो so, अल, अलग अलग पेटर्न के अंदर जो स्प्रे होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्पेशलाइज बटन की जो बटन है वो अच्छे से ड्रग को जो है वो एक्सपेल आउट करते हैं फ्रॉम द एरोजोल कंटेनर तो वो अलग अलग फॉर्म के अंदर डिलीवर होती है फॉर एग्जांपल लाइक ए स्प्रे कि स्प्रे की तरह होता है या फिर वेट स्ट्रीम फॉर्म और सॉलिड स्ट्रीम या फिर सॉलिड पार्टिकल की ही स्ट्रीम्स होएगी ओके देन स्प्रे स्पेशल एक्चुएटर एंड सॉलिड स्ट्रीम एक्चुएटर्स ये उसके मेन टाइप्स है सो स्प्रे एक्चुएटर्स कैसे होते हैं कि इट कैन बी यूज फॉर टॉपिकल प्रिपेरेशन सच एज एंटीसेप्टिक लोकल एनास्थेटिक एंड स्प्रे ऑन बैंडेजेस मतलब कि कोई आपने पेन रिलीफ बैंडेज लगाई है तो उसके ऊपर समझो कि आप एरोज़ल स्प्रे करते हो ओके सो स्प्रे ऑन बैंडेजेस, लोकल एनास्थेटिक ओके उसके भी स्प्रे होते हैं एंड एंटीसेप्टिक मेडिसिन का कोई स्प्रे है तो आप डायरेक्टली अफेक्टेड पार्ट पर मेडिसिन का स्प्रे करोगे ओके okay? सो so, ये स्प्रे एक्चुएटर्स क्या करते हैं मेडिसिन को स्प्रे के फॉर्म के अंदर एक्सपेल आउट करवाते हैं इट अलो द स्ट्रीम ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट एंड प्रोपेलेंट टू पास थ्रू वेरियस ओपनिंग एंड डिस्पेंस एज अ स्प्रे डिस्पेंस करता है या फिर एक्सपेल आउट करता है कि यहाँ पे ये डायग्राम में हम देख सकते हैं कि नीचे की ओर ये पूरा कंटेनर है और डीप ट्यूब में से होकर वाल से होकर ये मेडिसिन जो है वो एक्चुएटर की नोजल में से यहाँ पे बाहर की ओर स्प्रे हो रही है यहाँ पे हम पूरे स्प्रे पैटर्न जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले पोर्शन के अंदर तो ये जो एक्चुएटर से उसको हम कहेंगे स्प्रे एक्चुएटर्स की जो टॉपिकल मेडिसिन जो है टॉपिकल डोजेस फॉर्म की जो डायरेक्टली आपको स्किन ऊपर ही अप्लाई करने हैं टॉपिकल एरियाज के अंदर तो इसके लिए हम ये टॉपिकल एक्चुएटर्स या फिर स्प्रे एक्चुएटर्स यूज करते हैं स्पेशली फॉर टॉपिकल यूज के लिए ही है नेक्स्ट है फॉर्म एक्चुएटर्स इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज ओरिफिस विच रेंजेस फ्रॉम जीरो पॉइंट जीरो सेवनटी टू जीरो पॉइंट वन ट्वेंटी फाइव इंच और जो फॉर्म एक्चुएटर्स है वो क्या करते हैं ये जो हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉर्म फॉर्म के फॉर्म के अंदर ये मेडिसिन को एक्सपेल आउट कराओगे या फिर मेडिसिन या फिर कोई फॉर सेविंग 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 फॉर्म्स आते हैं ओके फॉर्म क्रीम्स तो होते हैं बट अब फॉर्म भी यूज किया जाते हैं कि डायरेक्टली वो फॉर्म ही एक्सपेल आउट करता है कंटेनर में से तो इसके लिए जो एक्चुएटर्स यूज होते हैं वो होते हैं फॉर्म एक्चुएटर्स नेक्स्ट है वो है सॉलिड स्ट्रीम एक्चुएटर्स की जो सॉलिड स्ट्रीम एक्सपेल आउट कर कराते हैं लाइक like कि जो अस्थमा के अंदर जो हम लेते हैं कि साल ब्यूटामोल ड्रग का जो अस्थमेटिक पंप होता है तो उसके अंदर सॉलिड स्ट्रीम होती है मेनली दिस एक्चुएटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिस्पेंसिंग सेमी सॉलिड प्रोडक्ट सच एज ऑइंटमेंट कि सेमी सॉलिड या फिर डायरेक्टली आपको सॉलिड स्ट्रीम जनरेट करवानी है तो उसके लिए यूज करेंगे आप स्पेशल एक्चुएटर्स दीज आर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज लाइक इट डिलीवर द मेडिका मैन टू अप्रोप्रिएट साइट ऑफ एक्शन सच एस थ्रॉट नोज डेंटल एंड आइजेशल ऐसे एक्चुएटर्स हो गए कि आगे इस तरह से उसकी डिजाइनिंग की होगी कि डायरेक्टली आप उसको थ्रॉट के अंदर ड्रग डिलीवर करवा सकते हैं नजल कैिटी डेंटल एंड आइज के अंदर ये होते हैं कुछ स्पेशल एक्चुएटर्स एंड सॉलिड स्ट्रीम एक्चुएटर फॉर सेमी सॉलिड एज वगैरह के लिए सॉलिड स्ट्रीम एक्चुएटर्स यूज किए जाते हैं सो so, जो था वो कंपोनेंट्स का लास्ट पार्ट था कि कंपोनेंट्स के अंदर हमने देखा था कि एरोजल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कौन से होते हैं कंपोनेंट्स के अंदर कंटेनर होता है वाल होता है फिर वाल की पूरी जो बॉडी असेंबली तैयार होती है गास्कट है ट्यूब है, है स्प्रिंग आती उसके अंदर ओके okay? अब नेक्स्ट है वो हमारा टॉपिक एक्चुएटर्स भी उसी का पार्ट है नेक्स्ट आता है वो है मीटर डोज इनहेलर्स कि जिसको हम एम कहते हैं कि जो आप देखते हैं कि ये अस्थमेटिक पंप होते हैं कि जो अस्थमा के पेशेंट्स यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं कि यूज टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एरर के जो मेडिकेशन एरर होती है कि कई बार डोज ज्यादा लिया जाता है या फिर डोज कम लिया जाता है ड्यू टू मीटर डोज इनहेलर्स क्या करते हैं कि स्पेसिफिक डोज वन टाइम के अंदर रिलीज करवाएंगे टू इंप्रूव द ड्रग डिलीवरी ऑफ एरोजलाइज पार्टिकल्स इन टू द नजल पास रेस्पेरेटरी ट्रैक सो पेशेंट इसको डायरेक्टली उसकी ओरल केविटी के अंदर ही ड्रग को एक्सपेल करवाता है और वो जाएगी रेस्पेरेटरी ट्रैक या फिर नजल पास वे के अंदर और एडमिनिस्ट्रेशन एरर को हम क्या कर सकते हैं डिक्रीज मिनिमाइज कर सकते हैं द नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एरर क्योंकि वन टाइम जो यो यूज करेगा उसके अंदर जो भी मेडिसिन का डोज आने वाला है वो इजीली वो ले सकेंगे उसके और भी इंपॉर्टेंस है कि क्विक टू यूज नो कॉन्टामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ओके डायरेक्टली प्रोडक्ट जो है वो ओरल कैविटी या फिर रेस्परेटरी ट्रैक के अंदर ही पेशेंट जो है वो इनहेल करता है जिसके कारण कोई कॉन्टामिनेशन होने के चांसेस नहीं है देन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डोज जो फिक्स डोज होता है वो ये डिलीवर कराएगा इसीलिए हम कहते हैं उसको मीटर डोज इनहेलर्स की प्रॉपर मेजर करते ही कर कर ही ये डोज जो है वो डिलीवर करता है टू द पेशेंट पोर्टेबल एंड कॉम्पैक्ट ये पोर्टेबल असेंबली होती है आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो इजी टू कैरी एंड इजी टू यूज डोज टू डोज रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज हाई सो इसके बेनिफिट से काफी तो so, यहाँ पे हम देख सकते थे जो अस्थमेटिक पेशेंट यूज करते हैं अस्थमा पंप की जो मेन ड्रग होती है उसके अंदर सैलब्यूटामोल सल्फेट एंड फॉर इनहेलेशन यूज कि जो हमने मीटर डोज इनहेलर्स के अंदर जो पढ़ा था कि मीटरिंग वाल्व यूज होते हैं ओके okay? वाल्व के अंदर देखा था कि ये जो हेड स्पेस होता है ड्रग सस्पेंशन फॉर्म में गैसकिट मीटरिंग वाल्व और माउथ स्पेस की जो डायरेक्टली पेशेंट उसको उसके ओरल कैविटी में के रखकर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ड्रग को डायरेक्टली इनहेल कर सकता है सो so यह पूरी स्ट्रीम जनरेट होती है ओके सॉलिड स्ट्रीम और डायरेक्टली पेशेंट उसको उसके रेस्पिरेटरी uh, ट्रैक के अंदर इजीली इनहेल करके वो मेडिसिन का डोज जो है वो स्पेसिफिक अमाउंट एज वेल एज स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर ले सकता है विदाउट एनी मेडिकेशन एरर सो so, कुछ मार्केटेड फॉर्मुलेशन की जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल फ्लोवेंट डिस्कस फ्लूटिकासोन ड्रग है उसके अंदर यूज फॉर अस्थमा देन एंड सालमेट्रोल कॉम्बिनेशन के अंदर फॉर अस्थमा एरोविड फॉर फ्लूनिसोलाइड ड्रग है इसके अंदर अस्थमा के अंदर क्यूवेर बेक्लोमिथासोन अस्थमा एंड प्रोवेंटिल फॉर जम्स मेनली आर टी आई रेस्पायरे वेरियस डिसीज एंड कुछ मार्केटेड फॉर्मुलेटेड एरो हम देख सकते एरो इनहेलर की ए, aeromir, inhaler, के जो साल बिटामोल सल्फेट का है ओके okay? नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ एरोजोल हमने पढ़ लिया कंटेनर्स के बारे में प्रोपेल्ट के बारे में पढ़ा फिर उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो तैयार होता है कि जो वाल्व्स होते हैं ओके एक्चुएटर्स होते हैं डीप ट्यूब होती है गास्केट वगैरह से उसका इंटरनल स्ट्रक्चर तैयार होता है अब बात है फॉर्मूलेशन की सो so, जो अंदर जो मेन दवा होगी दवाइयाँ होगी उसके अंदर ड्रग होगी उसको हम कैसे तैयार करेंगे सो so, एक रहेगा वो प्रोडक्ट कॉन्सनट्रेट एंड दूसरा रहेगा प्रोपेलेंट सो so फॉर्मूलेशन के अंदर एक प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट है कि जिसको हम कह सकते हैं कि एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्टिव मिक्सचर ऑफ ड्रग सो एक्टिव मिक्सचर ऑफ ड्रग एंड अदर नेसेसरी एजेंट्स लाइक सॉल्वेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड सरफेक्टेंट ये तीन का भी मिक्सचर होता है सरफेक्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स एंड सॉल्वेंट एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट मेन और उसके साथ होते हैं ये प्रोपेलेंट्स प्रोपेलेंट्स के बारे में हमने डिटेल में पार्ट वन के अंदर पढ़ा हुआ है प्रोपेलेंट्स के टाइप विथ देर क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर सूटेबल एग्जाम्पल्स सो प्रोपेलेंट सिंगल और ब्लेंड ऑफ वेरियस प्रोपेलेंट यूज मतलब कि सिंगल यूज हो सकता है प्रोपेलेंट या फिर कॉम्बिनेशन के जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं सी हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं नाइट्रोजन गैस वगैरह नंबर ऑफ प्रोपेलेंट्स अवेलेबल है कि जो आप पार्ट वन लेक्चर के अंदर पढ़ सकते हो सो ब्लेंड ऑफ सॉल्वेंट इज यूज्ड टू अचीव डिजायर सोलिब्रिटी कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो सोलिबलिटी आपको अचीव करनी है वो आप कर सकते हो देन वेरियस सर्फेक्टेंट्स आर मिक्स टू गिव द प्रॉपर एच एल बी वैल्यू फॉर इमल्सन सिस्टम जो एच एल बी सिस्टम अचीव करनी है प्रॉपर सो एचएल वैल्यू कि जो इमलसन सिस्टम के लिए जरूरी है कि हाइड्रो फेलेक या फिर हाइड्रोफोबिक इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करके प्रॉपर आपको इमल्सन सिस्टम सेट करनी है तो वो यू हो सकता है बाय यूजिंग प्रॉपर प्रोपेलेंट्स सो so, प्रोपेलेंट्स के अंदर वेरियस सर्फेक्टेंट आप मिक्स कर सकते हो द प्रोपेलेंट्स आर सिलेक्टेड टू तो गिव द डिजायर्ड वेपर प्रेशर सॉल्युबिलिटी एंड पार्टिकल साइज कि जो प्रॉपर कंटेनर के अंदर जो हमें प्रेशर मेंटेन करना है ओके सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग एंड प्रॉपर पार्टिकल साइज के जिसके अंदर लिए हम यूज करेंगे प्रोपेलेंट्स सो टाइप ऑफ एरोसोल सिस्टम अब बात है एरोसोल के अलग-अलग सिस्टम की एक होती है सॉल्यूशन सिस्टम कि जिसके अंदर जो फॉर्मुलेशन के अंदर सॉल्यूशन होता है वाटर बेस्ड सिस्टम कि जिसके अंदर वाटर कंपोनेंट्स ज्यादा होते हैं सस्पेंशन और डिस्पर्शन सिस्टम या फिर इमल्शन टाइप फोम सिस्टम एंड इंट्रानजल एरोजोल की जो हम मेडिसिन को मेनली डिलीवर करेंगे नजल कैविटी के अंदर की जो फॉर्म एक्चुएटर्स से हम फॉर्म सिस्टम जनरेट कर सकते हैं जैन सस्पेंस एंड डिस्पर्जन सिस्टम वाटर बेज एंड सॉल्यूशन सिस्टम अब जो बाकी के पॉइंट्स जो हमें पढ़ने हैं वो हम पढ़ेंगे इन पार्ट फॉर ऑफ दिस लेक्चर ओके पार्ट वन टू एंड थ्री जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे सो so, जिससे आप जो प्रीवियस पार्ट से वो भी पढ़ सकते हैं उसमें भी सो वी विल डू डिटेल स्टडी ऑन दिस टॉपिक इन वेरियस पार्ट्स। सो फुल चैप्टर इन ए वेरियस पार्ट्स। फॉर द टेस्ट सीरीज ऑफ जीपैट फार्मासिस्ट एंड ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन डाउनलोड द एप फार्मारॉक्स एंड्रॉइड एफ ऑन गूगल प्ले फॉर टेस्ट सीरीज कॉन्टेक्ट ऑन नाइन जीरो टू जीरो सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट